धर्मवीर जी बताइए क्या सवाल है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरे पास विप्रो के 500 शेयर हैं, वो 345 के ऊपर लिए हुए हैं। 345 पे लिए? 445 जी। तो टाइम है मेरे पास 4-5-6 साल का, ठीक है, तो थोड़ा बताएंगे। चिंता किस बात की है फिर? तो ये 5 साल का टाइम है, चिंता क्या है बताइए, पहले चिंता बताइए क्या है। अच्छा, चिंता मेरे को कुछ नहीं है। अच्छा, क्या था कि ये इसको एवरेज कर सकता हूँ, और भी यदि मेरे को परचेज करना हो तो कर सकता हूँ क्या? हाँ ठीक है। तो गाबा सर विप्रो 445 पे लिया महेंद्र जी ने, धर्मवीर जी ने, और चाहते हैं कि क्या और ले लें क्या? 4-5 साल का नजरिया है। 4-5 साल का नजरिया तो फिर एसआईपी कीजिए, फिर सोचते एसआईपी करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये स्टॉक ने इन्वेस्टर को बहुत पैसा बना के दिया। तो अब गिरावट है तो एक मौका है, लेकिन एसआईपी के जरिए करें तो अच्छा रहेगा, कोई स्पेसिफिक लेवल्स पर नहीं, एसआईपी पर। या तो फिर एक तय कर लीजिए, 400 पे कर लूंगा, फिर 350 पे कर लूंगा, फिर 300 पे कर लूंगा, एवरी 50 रुपीज डाउन अगर होता है तो। मुझे लगता नहीं ज्यादा गिरावट है, स्ट्रक्चर भी है, नो डाउट अबाउट इट, थोड़ा डिप है यस, लेकिन यहाँ पर लगता है शायद संभल जाए, पता नहीं कहाँ संभलेगा, लेकिन अब तक कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा, इसलिए एसआईपी का मेथड सही रहेगा, क्योंकि आपका नजरिया 4-5 साल का। तो मैं कहूँ धर्मवीर जी बिल्कुल क्लियर है कि स्ट्रक्चर अभी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं 4-5 साल के लिए, तो जब जैसे जैसे नीचे अगर आता है तो आप इसमें एसआईपी के जरिए मतलब थोड़ा थोड़ा करके और खरीदिए, आपको अच्छा लगता है ये स्टॉक तो।